हेलो ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है जूम ऐप को हम यूज़ कर सकते हैं लाइव क्लास के लिए या फिर मीटिंग्स के लिए। वैसे तो ये मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस के लिए ऐप बनाई गई है, बट आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी टीचर्स ने मुझसे बताया था कि सर आपने क्लास शेड्यूल करना नहीं बताया, बाकी सारी चीज़ें नहीं बताई, तो आज हम वही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि बॉटम जो है यहाँ पर जूम ऐप जो है आप देख रहे हैं, जूम लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मुझे ऊपर जो है चार ऑप्शंस मिल जाते हैं। न्यू मीटिंग, न्यू मीटिंग में क्या होता है कि आप ऑन द स्पॉट कोई मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज़फुल है। तो एक टीचर के लिए ये बेसिकली यूज़फुल इतनी नहीं है क्योंकि यू नो लॉगिन आईडी और बाकी सारी चीज़ें, मीटिंग आईडी वगैरह प्रोवाइड करने में टाइम लगता है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कि मीटिंग किसी ने शेड्यूल की है, होस्ट की है और आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबाया जाता है। लेकिन अगर आप एक टीचर हैं और आप एक मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं, आप एक क्लास लेना चाहते हैं, तो देखिए थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर शेड्यूल का ऑप्शन है। आप शेड्यूल पे जाएंगे, शेड्यूल पे जाके लेट से मुझे जो है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ अपनी क्लास, कोई भी क्लास अगर आपकी है तो उसका नाम लिख देंगे। मैंने यहाँ पे टेस्ट क्लास लिखा है, टेस्ट क्लास मतलब हम एक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट क्लास मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। डेट आप यहाँ पर जो भी आए आप डेट वहाँ पर प्लस माइनस करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर डेट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको इस तरीके का अरेंजमेंट मिल जाएगा। आप टाइप करके भी वो चीज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 21st कर सकते हैं आप इसे, तो मैं सिर्फ 8th अप्रैल ही कर सकता हूँ। आप मंथ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ईयर भी चेंज कर सकते हैं, तो ईयर भी चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी सेट होने के बाद। तो डेट आपने जो है पहला कॉलम डेट का फिक्स कर दिया आपने, कितने बजे से कितने बजे तक। तो लेट्स से मुझे जो है मीटिंग स्टार्ट करनी है 1 बजे, जो भी आपको टाइम लगे इसको भी आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर प्लस माइनस पे क्लिक करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने 2 बजे का टाइम सेट कर दिया है। जब भी आप मीटिंग स्टार्ट करें फिर 2 पे जाएंगे और नीचे वाला बटन जो है वो दबाएंगे 2 का, और 40 मिनट्स की क्योंकि ये मीटिंग होती है तो मैं 40 मिनट्स यहाँ पे 1 to 140 जो है इसे ओके कर देंगे। सो 1 to 140 फ्रॉम 2 हो गया था ये, तो लेट्स से 1, सो 1 to, चलिए इसे 2 ही कर देते हैं क्योंकि 1 बज चुका है ऑलरेडी अभी, तो ये रेड दिखा रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसे 2:40 मैंने इसे कर दिया। टाइम जोन वही है, रिपीट ओके। पर्सनल आईडी, आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे पर्सनल आईडी आप ये चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ये एक्स्ट्रा फीचर होता है बट आप इसे अवॉइड करें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि होस्ट वीडियो ऑन, आप चाहें तो इसे ऑफ कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन ऑफ, आप जो भी चाहें जैसे आपको ठीक लगे वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ऑडियो ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं अगर आप एक अच्छी क्लास लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि होस्ट वीडियो ऑन, ये मैंने ऑफ कर दिया है, अगर आप चाहें तो इसे ऑन भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है इनेबल वेटिंग रूम, वेटिंग रूम में क्या होता है देखिए टीचर्स की, यहाँ पर आप जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो लेट्स से आपकी क्लास के लिए 20 बच्चे आने वाले थे, तो जो अनवांटेड स्टूडेंट्स होते हैं आप उन्हें यहाँ पर देखेंगे तो आप उनको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, कि इनमें से जो वेटिंग रूम में बच्चे हैं उनमें से जिनको सिलेक्ट करेंगे वही आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ ज्वाइन अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट, कि होस्ट से पहले ही ज्वाइन कर लें, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहें तो वो कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग, अगर आप मीटिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको जो है क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरे फोन का स्पेस ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पर सेट हो गया, ऊपर आपको डन लिखा हुआ दिखाई, डन पर क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा का पूरा जो है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। लेट मी क्लिक ऑन डन। तो जैसे ही आप डन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके की आप मतलब मेल आईडी से शेयर कर सकते हैं सारी डिटेल्स। बेसिकली ये जो 2 चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि एक तो आपका मीटिंग का पासवर्ड और पासवर्ड आईडी। तो ये दोनों मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, आप चाहें तो इसको पूरा कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लिया कि मनोज जहांगीर जो है एक टेस्ट क्लास टॉपिक टाइम वगैरह सारा यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैंने कट कर लिया यहाँ पे। आप और ये मेल बच्चों को मेल वगैरह
आप जो है मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो है व्हाट्सएप वगैरह या मेल के थ्रू बच्चों को जो है शेयर कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप इसका सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है, तो आप चाहें तो क्लास से 15-20 मिनट पहले बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अनवांटेड स्टूडेंट्स या क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है किसी तरह की, एंड दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू कैन डू, आप 1-2 घंटे 4 घंटे मॉर्निंग में भी शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप वापस जैसे एग्जिट कर देंगे शेड्यूल और शेयर करने के बाद, जूम ऐप पर आप जाएंगे तो आपको ऊपर जो है 4 ऑप्शंस के साथ साथ आपके क्लास का टाइमिंग वगैरह भी यहां पर दिखाई देगा। आप नीचे बॉटम पे देखेंगे मीटिंग्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जितनी क्लासेस आपने शेड्यूल की हैं वो सारी के सारी आ जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि एक क्लास है जो मैंने 1 बजे शेड्यूल कर ऑलरेडी की हुई है शेड्यूल। आप चाहें तो स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद उस क्लास को आप जो है यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। सो टीचर्स, जैसे ही आप अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे आपको जो है इस तरीके का इंटरफेस जो है वहाँ पर मिल जाएगा, और इस पर आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि टैप टू स्पीक जो है, आप मोबाइल स्क्रीन पर कहीं पे भी अगर आप इसे टैप करते हैं तो आप जो है बोलने लगेंगे, मतलब आपकी जो है आवाज़ जो है बाकी पार्टिसिपेंट्स तक जाने लगेगी। नीचे जो है आपको 2 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, सो बेसिकली आप स्क्रीन पर कहीं पे भी टैप करेंगे तो डन स्पीकिंग करके इस तरीके के जो है आपको ऑप्शन दिखाई देगा, और आप जो है नीचे जैसे ही बिल्कुल बॉटम पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का चीज़ें, जैसे मनोज जांगिर के नाम से मैंने क्लास स्टार्ट की है, ये इस तरीके का इंटरफेस आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो कुछ जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स ऐड होंगे बाकी सारी चीज़ें भी आपके पास आएंगी। यहाँ पर आपको बॉटम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरीके के नीचे जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं म्यूट, स्टार्ट वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेंट्स एंड मोर, इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगेंगे। आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर ये जो स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी स्टार्ट होता है। आप इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इसे ऑफ कर रखा है। इसके बाद अगर आप चाहें तो पार्टिसिपेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई देंगी, और पार्टिसिपेंट्स पर बेसिकली क्लिक करने के बाद आपको जब यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बताता जाता हूँ कि जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की चीज़ें जो है बेसिकली दिखाई देंगी, और आप जो है यहाँ पर इस तरीके की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल सेंटर पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर म्यूट ऑल, अनम्यूट, इस तरीके के ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर गिवन है, जैसे कि म्यूट का ऑप्शन यहाँ है, आप म्यूट कर सकते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स को। अगर आपको अनम्यूट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे अनम्यूट भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें बैक जाकर, तो जैसे ही आप मोर पर क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है अभी आपको दिया हुआ है ये जो है मोर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है बेसिकली आपको मिल जाएंगी। ये जो है स्क्रीन आपके फ़ोन पर जो है अपीयर होगी, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है हमें लॉक मीटिंग का, तो लॉक मीटिंग में बेसिकली होता क्या है, लॉक मीटिंग के ऑप्शन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने 10 बच्चों को मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजा है, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया है कि आपका मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो है वो बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉक मीटिंग में अगर कुछ बच्चे आप वैसे तो वेटिंग रूम अगर आपने एक्टिवेट कर रखा है तो उसके बाद क्या होगा कि आप उन बच्चों को सिलेक्ट करके अपनी क्लास में एंटर करवा लेंगे, और उसके बाद इस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे तो ये मीटिंग जो है यहाँ पर लॉक हो जाएगी, मतलब कोई और पार्टिसिपेंट आपकी जो है क्लास में अब एंटर नहीं हो सकता। तो लॉक मीटिंग का फीचर इस काम आता है, आप जैसे ही मीटिंग आपकी स्टार्ट होती है तो कुछ अवॉइडेबल स्टूडेंट्स हो गए जो आपकी क्लास से बिलोंग नहीं करते या आप उनको चाहते नहीं हैं कि वो क्लास में आएं, तो आप जो है लॉक मीटिंग का ऑप्शन दबाकर जो है 5 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग लॉक कर सकते हैं। आप एक तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बच्चों को कि एंट्री जो है सिर्फ 5 या स्टार्टिंग के 10 मिनट के बाद है, 10 मिनट तक है, उसके बाद जो है एंट्री नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको जो है इसके नीचे दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लॉक शेयर का ऑप्शन। तो ये लॉक शेयर का ऑप्शन किस काम आता है, देखिए आप जैसे ही इसे ऑन कर देंगे तो यहां पर लिखा हुआ भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो ऑप्शन है आप इसे ऑन कर देंगे यहां पर,
तो आप देखेंगे कि बेसिकली नीचे लिखा हुआ है इनेबल्ड ओनली द होस्ट कैन शेयर द कंटेंट, कि यहाँ पर जो है काफ़ी बार आप व्हाइट बोर्ड यूज़ करते हैं या फिर कोई पिक्चर या कोई इमेज शेयर करते हैं जूम ऐप की हेल्प से, तो कोई और बच्चा भी शेयर कर सकता है इस तरीके का कंटेंट। तो कई बार जो है टीचर्स को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इसके लिए आप इसे लॉक शेयर का बटन क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ओनली द होस्ट कैन शो द कंटेंट और शेयर द कंटेंट ऑन दी स्क्रीन। इसके बाद मैं बात करूंगा यहां पर इसी स्क्रीन पे आपको नीचे जो है यहां पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू चैट विद। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे, इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे, तो आपको बेसिकली कुछ इस तरीके से स्क्रीन जो है दिखाई देगी कि यहां पर अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू चैट विद पे क्लिक करने के बाद कि नो वन होस्ट ओनली एवरी वन पब्लिकली एंड एवरी वन। तो यहाँ पर बेसिकली ये कुछ ऑप्शन है जिसको आपको होस्ट ओनली पे रखना है, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी बार आपस में ही चैट करने लग जाते हैं जूम मीटिंग में, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े। तो इसको आप जो है होस्ट ओनली पर क्लिक करके और छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैं इसके रिगार्डिंग आपको शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी परेशानी, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चाहें तो मुझे मनोज जांगिर क्लासेस के नाम से ही सोशल हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा और फेसबुक इसी नाम से मैं अवेलेबल हूँ। वहाँ पर इसी तरीके की वीडियोज़ देखते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू ऑल।